जामा मस्जिद वाली हरदोई तमाम दुनिया के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कोरोना महामारी बहुत बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इससे बचना हमारा और आपका सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए बिला ज़रूरत हम इधर उधर ना घूमें, बिला ज़रूरत बाजार ना जाएं, बिला ज़रूरत किसी के घर पे ना जाएं, और अगर जाना है, बहुत ज़रूरी है, तो मास्क लगा करके जाएं और दूरी बना करके रखें और दूरी का मुकम्मल ख्याल रखें। अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो यही होगा कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अगर हम नहीं मानेंगे तो इस बीमारी में हम भी मुलव्वस हो सकते हैं। हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, हमारे बाप हो, हमारे खानदान के लोग हों, इस बीमारी से अगर कोई भी मुलव्वस हो गया तो यूँ समझ लीजिए पूरा परिवार, पूरा खानदान इस बीमारी में मुलव्वस हो सकता है। इसलिए इस बीमारी से हमें भी बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है और बिलखसूस अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करनी है। जो सरकारें की तरफ से हमें नियम और कानून दिए गए हैं, हमें उन्हीं नियम और कानून पर अमल करना है। 5 लोगों को नमाज के लिए बताया गया है, 5 से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और मुसलमानों ने सबसे बड़ी कुर्बानी ये दी है कि नमाज जुमा में सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए ये तदबीर सरकार ने अपनाई है कि भीड़ भाड़ ना हो और आपसी दूरी बना के रखें, और इतनी दूरी बना के रखें कम से कम 1 मीटर की दूरी होना चाहिए और साफ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। आप हर वो चीज़ अपनाएं जो सरकार की तरफ से हमें दी गई है। हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कानून से हमें भय नहीं करना है, हमें शासन और प्रशासन का मुकम्मल ख्याल रखना है। इसलिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है। इसलिए इस बीमारी से हमें बचना है, अपने बच्चों को बचाना है और अपने